सस्री अकाल सारेयानू और स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु रामदास जी का ज्योति ज्योतविलीन होना साखी सुनाएंगे। बाबा पृथ्वी चंद ने सच्चे गुरु गुरु अर्जन देव को नहीं पहचाना। श्री गुरु रामदास जी के तीनों सपुत्रों में से गुरु अर्जुन देव जी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। गुरु नानक देव जी के आशय को उन्होंने सहज ही समझ लिया था और बानी से अथाह प्रेम करते थे। बानी पढ़ते, गाते, समझते और समझाते, वे इस प्रकार अपने जीवन को गुरु आशय के अनुसार ढाल रहे थे। वे सभी सिखों में सिखी आशय को समझने व अपनाने में सबसे आगे थे। बचपन में ही बानी के संग प्यार और लगन के कारण ही वे अपने नाना श्री गुरु अमरदास जी की प्रसन्नता के पात्र बने थे। गुरु रामदास जी का बड़ा पुत्र बाबा पृथ्वी चंद बहुत चतुर चालाक था। गुरु दरबार का सारा प्रबंध उसके अपने हाथ में था। देखने को तो वह सेवा भी करता था, पर उसके मन में सच्चा धर्मात्मा बनने की लगन कम ही थी। उसका धन से बहुत प्यार था, वह मान सम्मान का भी भूखा था। बाबा पृथ्वी चंद का सारी सेवा का लक्ष्य गुरुगद्दी प्राप्त करना था। उनका दंभ और अहंकार नहीं बदला, उसने गुरु के प्रति अपना दुर्व्यवहार जारी रखा। गुरुपद को वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। जब गुरु रामदास को पता चला कि बाबा पृथ्वी चंद अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की। उन्होंने लाहौर से गुरु अर्जन देव द्वारा भेजे गए पत्रों को पाने के लिए उन्हें फटकार लगाई। गुरु अर्जुन देव जी के साथ पिता गुरु का अधिक प्रेम देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। गुरु जी के दूसरे सपुत्र बाबा महादेव जी मस्ताने और विरक्त स्वभाव के मालिक थे। दुनियावी कार विहार उनको झमेले प्रतीत होते थे। उनको अपने जति सती और तपस्वी होने का बहुत अहंकार था। गुरु रामदास जी ने अपने सपुत्रों और अन्य निकटवर्ती गुरसिखों के बारे में दीर्घ विचार करने के उपरांत गुरु अर्जुन देव जी को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय कर लिया और एक दिन भरे दीवाने में गुरु अर्जुन देव जी को गुरुगद्दी सौंप दी। उनके सम्मुख स्वयं माथा टेका और भाई मोहन जी ने वाणी की पोथी भी भेंट कर दी। बाद में सारी संगत ने गुरु अर्जुन देव जी को माथा टेका। ये घटना भाद्रव संवत 1630 अगस्त सन 1581 की है। उस समय गुरु अर्जुन साहिब की आयु लगभग 18 वर्ष की थी। गुरु अर्जन देव को गुरुपद का सम्मान प्रदान करने के बाद गुरु रामदास अपने परिवार के साथ गोविंदवाल के लिए रवाना हो गए। वह बाबा बुढ़ा को भी अपने साथ ले गए। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि उनका अंत दूर नहीं है। वह गोविंदवाल में परम प्रकाश में विलीन होना चाहते थे। तब उन्होंने गुरु अर्जन देव को अपने पास बैठने के लिए बुलाया और बोले, अब आप चार गुरुओं के अवतार हैं। गुरु नानक से गुरु अंगद, गुरु अमरदास से गुरु रामदास तक यात्रा करने वाली दिव्य रोशनी अब आपके पास आ गई है। अब आप सिखों के पांचवें गुरु हैं। गुरु अमरदास ने मुझे अमृतसर शहर, एक अमृत सरोवर और हरमंदिर साहिब का निर्माण करने की सलाह दी थी, लेकिन इस सीमित समय में मैं अमृत सरोवर के अंदर एक सुंदर हरमंदिर साहिब का निर्माण नहीं कर पाया हूँ, ताकि श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद हरिमंदिर साहिब के अंदर बैठकर दिव्य गुरबानी सुन सके। तब उन्होंने बाबा बुढ़ा को बुलाया और सलाह दी, आपको हरिमंदिर साहिब के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी चंद इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और पांचवें गुरु को नाराज करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उन्हें त्याग देना चाहिए और सिखों को बताना चाहिए कि गुरु अर्जन देव ही असली गुरु है और पृथ्वी चंद बेईमान है। फिर उन्होंने संगत को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा अकाल पुरख का नाम जपे और रागियों द्वारा गाए गए भजन सुने। गुरु अर्जन देव पर विश्वास करो जो मेरे अवतार है। तब गुरु ने परिवार के सदस्यों और सिखों को सलाह दी, मेरी मृत्यु पर शोक न करें। ये परमात्मा की इच्छा है कि मेरा समय सर्वोच्च सत्ता में विलीन होने का आ गया है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और परम प्रकाश में विलीन हो गए। जब भक्तों और परिवार के सदस्यों को पता चला कि पूज्य गुरु ने उन्हें छोड़ दिया है, तो उन्होंने रागियों से भजन सुनाने के लिए कहा, जैसा कि गुरु ने सलाह दी थी।
उस अवसर पर कोई भी नहीं रोया, सभी ने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। अगले दिन गुरु के शरीर का व्यास नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।